क्लास फाइव कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खरीद से होंगे स्टूडेंट्स आज हम करेंगे साइंस यूनिट इलेवन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैगनीटिज़म पेज नंबर नाइन्टी पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है आपका यूनिट इलेवन है मेकिंग एन एलेक्ट्रो मैगनेट ओके पहले है आई लाइक टू मीट बेंजामिन फ्रैंकलिन ही लिव्ड इन अमेरिका इन द एटीन सेंचुरी ही वॉज अ फेमस इन्वेंचर मिस्टर फ्रैंकलिन प्लीज टेल द स्टूडेंट्स अबाउट योर काइट एक्सपेरिमेंट बेंजमिन फ्रेंकलिन अमेरिकन वो साइंटिस्ट था उसने फेमस uh, इन्वेंटर था उसने बहुत सी इन्वेंशनस की और यहाँ पे हम इलेक्ट्रो के बारे में पढ़ेंगे। एज स्टिल हाउ अबाउट विल आस्क योर स्टूडेंट्स टू गो ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड आउट फॉर दैम सेल्फ लेट्स बिगन दूनिट विधलेक्ट्रो मैगनेट्स एलेक्ट्रो मैगनीट्स क्या होते हैं मैग्नेट के बारे में तो हमने सुना होता है कि मैग्नेट ऐसी चीज़ होती है जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है यानी उसमें कशिश होती है लेकिन इलेक्ट्रो मैग्नेट्स ऐसी चीज़ यानी कि जब किसी आयरन में से करंट पास होता है ना तो उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है वो सिर्फ वक्ति होता है मतलब जब उसमें करंट पास होगा सिर्फ उसी टाइम उसमें जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा जैसे ही करंट का फ्लो रुकेगा वो मैग्नेटिज्म भी रुक जाएगा तो उसको हम उस चीज़ को हम इलेक्ट्रो कहते हैं ये टेम्प्रेरी होता है इलेक्ट्रो मैगनेटिज्म इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू समथिंग विद मैग्नेटिक क्वालिटीज़ व्हेन द करंट इज़ टर्न ऑन द मैग्नेट वर्क्स व्हेन द करंट इज़ टर्न ऑफ द मैग्नेट स्टॉप वर्किंग यानी इलेक्ट्रो मैगनीटिज़म इन्वॉल्व एन जब किसी चीज़ में से करंट गुजरता है तो उसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज प्रोड्यूस हो जाती हैं जब तक करंट और रहता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है और जैसे ही करंट रुक जाता है वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मैकेट खुद भी बनाया जा सकता है उसके लिए हमें क्या चाहिए वट यू विल लार्ज आयरन नेल थिनली इंसुलेटेड कॉपर वायर थर्टी सेंटीमीटर डी सेल बैटरी पेपर क्लिप्स एंड पिन वायर स्ट्रिप्स वायर स्ट्रिपर्स मैस्किंग टेप ओके वट विल डू यूजिंग द वायर स्ट्रिपर रिमूव अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ इंसुलेटर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर अब कॉपर वायर के ऊपर ना एक इंसुलेटर चढ़ाया होता है प्लास्टिक रबर या कुछ भी ऐसे जिसकी वजह से उसको पकड़ा जाए अगर वरना अगर कॉपर वायर में से करंट पास हो रहा हो तो हम उसको पकड़ नहीं सकते तो उसकी ना अब जब हमने उसको लिया वो उस पर इंसुलेटेड था तो हमने उसके एंड्स पे से थोड़ा से जो वो इंसुलेटर था वो रिमूव कर दिया सेकेंडली रैप अबाउट वन थर्ड ऑफ द वायर

आखिरी वाला टेन सेंटीमीटर यानी बीस का जो हिस्सा होता है ना उसे नेल पे जो है जो लोहे का कील होगा नेल होगा उस पर आपने रैप करना है इस तरह कि वो ओवरलैप ना करे और करीब जो एक दूसरे के करीब करीब रोल हो और वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करे ठीक है थर्ड रैप वन ऑफ द वायर अराउंड द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी रैप द अदर एंड ऑफ द अदर एंड अराउंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी यूज़ अ पीस ऑफ टेप टू होल्ड वायर इन प्लेस अब आपने उसका एक जो एंड होगा वायर का वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें ठीक है और उसको टेप लगा दीजिए ताकि वो मूव ना करे प्लेस दी नेल नियर दी पेपर क्लिप्स एंड नेल्स बिकॉज द नेल इज नाउ एन इलेक्ट्रो मैगनेट इट शुड पिक दैम अप यू कुड फाइंड सम लार्जर ऑब्जेक्ट्स एंड सी हाउ मच वेट योर मैगनेट कैन बेकअप अब जो पेपर क्लिप्स अगर आप नेल के पास लाएंगे उस क्ल के पास लाएंगे तो वो जो उस नेल के साथ वो चिपक जाएगी क्योंकि उसकी जब करंट पास हो रहा है उस नेल में से तो वो एक मैग्नेट बन गया और जैसे ही वो करंट का तो फ्लो स्टॉप होगा वो दोबारा एक आम नेल बन जाएगा तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं और आप कोई भारी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका जो मैगनेट है वो कितना उसका स्ट्रोंग है ठीक है नेक्स्ट uh, पेज स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कोज बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर यू मेक रिकॉल दैट दिस इज़ रबिंग इस दिस रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन फ्रिक्शन चेंजेस द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिटवीन ऑब्जेक्ट दिस रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेटिक एनर्जी बेसिकली चार्ज की वजह से होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ठीक है जब दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ा रग जाता है तो इसको हम फ्रिक्शन भी कहते हैं तो जो और मटेरियल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना वो डिसबैलेंस हो जाते हैं ठीक है और इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, हैं ना वो अपनी जगह बदल लेते हैं इसकी वजह से इसको हम जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन लीव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर यानी ये एक जगह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जा सकती है मूव कर लेती है पर हैव यू एक्सपीरियंस अ शॉक ऑन टचिंग अ पीस ऑफ मेटल दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन जम्प बिटवीन यू एंड मेटल यानी हमें जब हर हल्का सा करंट लगता है तो ये क्यों होता है क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके हाथ पे मेटल से आपके हाथ पे मूव कर देते हैं यू कैन सी हाउ दिस वर्क इफ यू रब अ बेलून अप एंड डाउन यू जम्पर बिफोर यू स्टार्ट रबिंग प्रेस द बेलून अगेंस्ट योर जम्पर द बेलून बिन फ्लॉट अवे फॉल टू द ग्राउंड के पहले आप उसको उसको रगड़ो अपने जो ड्रेस है मतलब जंपर के साथ रगड़ो और उसके बाद उसको पीछे करो तो वो जमीन या ज़मीन की तरफ फेंको तो वो आपके करीब आएगा यानी आपको अट्रैक्ट करेगा मैन यू रब द बलून अगेंस्ट योर जंपर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर जंपर मूव ऑन टू द बलून इफ़ यू होल्ड द बलून अंगेंस्ट योर जंपर एंड लेट गो द बलून विल स्टिक टू योर जम्पर एंड टिल एन ऑफ अलेक्ट्रॉन्स हैव जम्प बैक फ्राम द बलून ऑन द टू द जंपर दिस इज़ हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्क अब क्या होता है कि जब आप अपने जंपर पर वो बलून को रगड़ रगड़ते हो ना तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो आपके जंपर से उस बैलून में मूव कर देते हैं तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है आपके जंपर से और उस बैलून के दरमियान चार्जेस के दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है तो जब आप उसको पीछे की तरफ भेजते हो तो दोबारा आपके आपके जंपर की तरफ अट्रैक्ट होता है ठीक है स्टूडेंट्स ये था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर वन हाउ वुड यू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट हाउ डू यू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रो मैगनेट डिस्क्राइब ऑल स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप एक इलेक्ट्रो मैग्नेट कैसे बना सकते हैं कि हमने जो पेज नंबर नाइन्टी और नाइन्टी वन की रीडिंग की है ना जिसमें हमने एक नेल कोलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मैगनेट बनाया है वो सारे स्टेप्स इसमें आएंगे ठीक है डायग्राम्स भी आएंगी तो आपके इस क्वेश्चन में डायग्राम्स भी इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर टू है ट्राई दिस रन अ कॉम थ्रो योर हेयर अ नंबर ऑफ टाइम्स ब्रिंग इट क्लोज टू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल वाई द पेपर सिक्स टू कॉम ओके फ्रिक्शन इज़ क्रिएटेड वैन यू रन अ कॉम थ्रो योर हेयर द कॉम इज़ चार्ज विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव फ्राम योर हेयर टू द कॉम द कॉम हैज नेगेटिव चार्ज वैन यू होल्ड इट नीयर इट्स नीर पेपर इट्स अब क्या होता है कि जब आप कॉम अपने बालों में बार वो कहते हैं कि अपने प्रैक्टिकल करना है कि कॉम को अपने बालों में रगड़ना है कॉम बार बार अपने बालों में करनी है और उसके बाद उसमें पेपर के करीब लेके आना है पेपर के टुकड़ों के पासले कहना है और आपने देखना है कि वो क्या हुआ है और वो क्यों होता है तो जब हम कॉम अपने बालों में करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे बालों में से जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज होते हैं वो उस कॉम में चला जाता है ठीक है अब जो कॉम्ब होती है इलेक्ट्रॉन्स चुके गए हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कॉम जो होती है ना वो नेगेटिवली चार्ज होती है और जब हम उसे पेपर के टुकड़ों के पास लाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पेपर का नेगेटिव चार्ज है वो दूर चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज उस ने कॉम के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं तो इसी वजह से जो पेपर है वो कॉम के साथ स्टिक हो जाता है यानी चिपक जाता है क्योंकि जैसे ही वो कॉम उस पेपर के पास गई कॉम नेगेटिवली चार्ज थी पेपर के नेगेटिव चार्ज को तो उसने रिपेल कर दिया और पॉजिटिव चार्ज ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया जिसकी वजह से वो उसके साथ चिपक गया ठीक है स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं डायग्राम भी बनानी है इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम वो है इंक्लूड है आप लोगों ने अपना काम नीट एंड क्लीन करना है ठीक है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने पेरेंट्स और टीचर से हेल्प ले सकते है। हैं छुट्टियाँ लेकिन आपने अपनी वक्त ज़ाया नहीं करना अपनी पढ़ाई को नहीं रखना उसे कंटिन्यू रखना है हाफिज़